तो फ्रेंड्स, सोनी का एक नया लेटेस्ट कैमरा अनाउंस हो चुका है जो कि है ZV-1, और ये स्पेशली बनाया गया है जो यूट्यूबर है या व्लॉगिंग करते हैं उनके लिए बनाया गया है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे उसका फर्स्ट लुक, दिखाएंगे उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, और उसकी फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और फीचर में क्या क्या आपको एडवांटेज मिलती है। तो अंत तक हमारे वीडियो देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DSLR 14 World। आखिर लॉकडाउन के बाद में ये हमारा पहला वीडियो है, काफ़ी लंबा समय हो गया है, लगभग 2.5-3 महीने का समय हो गया है उसके बाद हम पहला वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि है लेटेस्ट अपडेट है। सोनी ने अपना जो कॉम्पैक्ट कैमरा है 1 इंची सेंसर में वो अनाउंस कर दिया है, स्पेशली यूट्यूबर और व्लॉगर जो है उनके लिए कैमरा बनाया गया है जिसका नाम है सोनी ZV-1 के नाम से ये आ चुका है मार्केट में। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक की। तो लुक की बात करें तो कैमरा काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी छोटी साइज़ का है, आप इजीली इसको पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में दिया हुआ है इसको। सेकंड बात करूं कि ये किसके लिए यूज़ आएगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्पेशली लॉन्च या अनाउंस किया गया है यूट्यूबर व्लॉगिंग जो करते हैं या नॉर्मल होम पर्पज़ से जिनको मूवी शॉर्ट मूवी वगैरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बनाने का शौक़ है उनके लिए ये कैमरा आया है। बात करूँ इसके वेट की तो वेट काफ़ी, जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी कॉम्पैक्ट छोटा सा कैमरा है। पहले जो आपने सोनी के डिजिटल कैमरे देखे होंगे ये लगभग लुकिंग में सेम वैसा ही लगता है, काफ़ी छोटा सा है पर फीचर काफ़ी कमाल के हैं, वो भी मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। तो वेट की बात करूँ सबसे पहले तो इसका जो वेट है वो 294 ग्राम है, मतलब 300 ग्राम के अंदर अंदर इसका वेट है। सेकंड बात करूँ इसके बटन्स का, तो जो इसके बटन्स हैं वो भी थोड़े बाकी जो कैमरे आज तक आए हैं उनसे सबसे अलग है। एक मूवी का जो आप वीडियो में देख रहे होंगे फ्रंट साइड में एक बहुत बड़ा सा रेड बटन दिया हुआ है जिससे स्पेशली जाहिर होता है कि ये मूवी के लिए ही है। और फोटो क्वालिटी भी हालांकि बहुत अच्छी आएगी, 1 इंची का सेंसर है तो सोनी के जी लेंस लगा हुआ है इसमें, तो उससे भी काफ़ी बेटर आएगी। प्लस साथ ही साथ आजकल जैसे सभी लोगों को पसंद है बैकग्राउंड डीफोकस करना, बैकग्राउंड ब्लरी इफेक्ट में इमेज या वीडियो लेना, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें स्पेशली आपको कोई सेटिंग वगैरह ऐसे मैनुअल कंट्रोल करके सेटिंग वगैरह करने की, हालांकि इसमें पूरे मैनुअल कंट्रोल भी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता है, जो ये नहीं समझते कि मैनुअल कंट्रोल क्या है, कैसे सेट करना है बैकग्राउंड ब्लर के लिए, क्या शटर स्पीड अपर्चर ISO होना चाहिए, तो उनके लिए स्पेशली इसमें एक बैकग्राउंड ब्लर का भी आपके पॉइंट दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है ऊपर ही फ्रंट में ही ऑन ऑफ बटन के पास में ही, जिससे आपको पता लग जाएगा कि बस बूके इफेक्ट के लिए। ऑटो में भी आप काफ़ी अच्छा इसमें बूके इफेक्ट ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, कैमरा सोनी का है और ये डिजिटल कैमरे की कैटेगरी में आता है जो कि 1 इंची का सेंसर है। इसमें आप लेंस चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा नहीं है, ये डिजिटल कैमरे की कैटेगरी में है। और जो साथ में इसमें लेंस जो फोकस लेंथ आपको मिलने वाली है वो 24-70 mm की है, 24-70 mm की फोकस लेंथ है। बात करूँ उस लेंस में क्या एडवांटेज आपको मिलती है, तो वो है उसका अपर्चर वैल्यू। अपर्चर जो है वो आपको 1.8 से लेकर 2.8 तक मिलेगा, मतलब मान लीजिए आप अगर 24 mm के कोई वाइड एंगल वीडियो या वाइड एंगल फोटोज़ कैप्चर कर रहे हो तो आप मिनिमम अपर्चर 1.8 रख सकते हो, लेकिन आपको कोई टेली फोटो लेनी है या थोड़ा जूमिंग करके वीडियो बनाना है और आपने 70 पे रख रखा है कैमरे को, तो उस सिचुएशन में मिनिमम जो अपर्चर आपका रहेगा वो 2.8 रहेगा। तो ये भी आपको 70 mm पे 2.8 की आपको अच्छा अपर्चर मिल रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बात करूँ सेंसर साइज़ की, तो जैसे कि मैंने बताया 1 इंची का सेंसर है जो कि 13.2 × 8.8 mm का सेंसर है। ये आपके जो DX कैमरा जो होते हैं, APS-C जो कैमरा होते हैं उससे थोड़ा सा क्रॉपिंग करता है। सेंसर टैप की बात करूँ तो BSI CMOS सेंसर है इसमें। मेगापिक्सल की मैं बात करूँ तो 20 मेगापिक्सल का साथ ही साथ कैमरा भी दिया हुआ है। वीडियो तो आप काफ़ी अच्छे बना ही सकते हो, व्लॉगिंग यूट्यूबर कैमरा है, लेकिन आप इमेज भी काफ़ी बेटर ले सकते हो क्योंकि 1 इंची सेंसर है, BSI CMOS सेंसर टैप है और 20 मेगापिक्सल इसमें आपको मिलते हैं, तो उससे आपका वीडियो उसके साथ साथ फोटो क्वालिटी भी काफ़ी बेटर हो जाएगा। उसके बाद करूँ ISO की, तो ISO 125 से लेके 25,600 तक है। देखो काफ़ी ऐसी सिचुएशन आ जाती है बिल्कुल लो लाइट कंडीशन में जिसमें आपको ISO इंक्रीज़ करना पड़ता है, तो वहाँ पे आप 25,600 ले जा सकते हो। हालांकि
5000-6000 भी मोर देन सफिशेंट ISO होता है अगर एक कैमरे में अच्छी बात करें। ज़्यादा ISO लेके जाओगे जैसे 10000 या 15000 तो आपके इमेज या वीडियो में ग्रेन्स भी आ सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो 25600 ISO मोर देन सफिशेंट, काफ़ी अच्छा ISO रहने वाला है। उसके अलावा बात करूँ इमेज स्टेबलाइजेशन की भी, तो वो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, साथ ही साथ ये आपके रो भी कैप्चर करता है, मतलब रो इमेज हो गई तो वो भी कैप्चर कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल जो डिजिटल कैमरे होते हैं उनमें JPEG आप फाइल ही कैप्चर कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको रो का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करते हैं स्क्रीन साइज़ की, तो स्क्रीन साइज़ जो है वो 3.0 इंची का है, 3 इंची का LCD स्क्रीन है। स्क्रीन पहली बार सोनी ने वेरी एंगल स्क्रीन दिया है, जिससे आप मतलब किसी भी एंगल से 360 डिग्री आप रोटेट कर सकते हो, कोई भी आपको एंगल लेना हो, अप एंगल हो, लो एंगल हो, या आपको सेल्फी टाइप से जो सेल्फी मोड आता है वो भी ले सकते हो। ये स्पेशली व्लॉगिंग और यूट्यूबर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे आप सेल्फ खुद का आप वीडियो बना रहे हो, आपके पास कोई अदर पर्सन नहीं है, तो आप स्क्रीन को अपनी तरफ करके रख सकते हो, जिससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी स्क्रीन का मतलब सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी कि किस टाइप की स्क्रीन आ रही है, तो वीडियो फोकस में है नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। तो वो वेरी एंगल स्क्रीन का ये फ़ायदा है। पहले जो सोनी के कैमरा आते थे, जैसे वो 64 हो, 61 हो या 6500 हो, उनमें अप और डाउन की स्क्रीन आती थी, जिससे आपको आगे जैसे आप यूट्यूब या व्लॉगिंग के वीडियो बना रहे हो उसमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी, तो वेरी एंगल स्क्रीन से आपको ये एडवांटेज मिलती है। शटर स्पीड की बात करूँ तो 1/2000 की शटर स्पीड है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक शटर का ऑप्शन भी है, जिससे आप शटर स्पीड को 1/32000 तक लेके जा सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत अच्छी शटर स्पीड आपको देखने को मिलती है। FPS की बात करूँ तो इसमें 24 FPS है, मतलब पर सेकंड में आप अगर फोटोग्राफी कैप्चर करते हो तो 24 फ्रेम तक मैक्सिमम आप ले सकते हो। उसके अलावा बात करूं ये कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए है, तो वीडियो में आपको क्या क्या एडवांटेज मिलती है, तो 4K वीडियो है, वीडियो में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको Full HD में, या 4K 24P 25P और 30P में है। वहीं Full HD की बात करूं तो 120P भी है और 100P भी है, जो कि काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ आप 60P 50P या 24P 25P ऐसे करके वीडियो के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं इसके मेन्यू में, आप जिस टाइप का वीडियो बनाना चाहो, जितनी फ्रेम रेट पे बनाना चाहो, आप सब बना सकते हो इसमें। उसके अलावा Full HD में 120 और 100 फ्रेम मिलते ही हैं, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ माइक जैक की बात करूं तो इसमें माइक जैक भी है 3.5mm का, जैसे यूट्यूब व्लॉगिंग के लिए आपको माइक की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इसमें आपको माइक भी देखने को मिलेगा, जिससे आप क्लियर वॉइस वगैरह आप रिकॉर्ड कर सकते हो। हॉट शू भी है साथ के साथ में, आप एक्सटर्नल फ्लैश या कोई एक्सटर्नल लाइट वगैरह इसमें लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो। बैटरी लाइफ की बात करूं तो वो थोड़ी कम नज़र आती है, लेकिन उसका भी सलूशन है हमारे पास में कि आप पावर बैंक वगैरह भी इसमें लगा के आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर को, तो वो बेनिफिट मिल जाता है। और बैटरी बैकअप जो है, जो इसकी बिल्ट इन बैटरी है उसके अंदर 260 शॉट पर चार्जिंग पे आपको बैटरी बैकअप मिलता है। पावर बैंक वगैरह लगा लेंगे तो आपका वीडियो या फ़ोटो और काफ़ी लंबे समय तक चल सकते हैं। और साथ ही साथ जो वाईफाई और NFC के फ़ीचर है, डायरेक्ट वायरलेस ट्रांसफ़र वगैरह आपको करने हैं वो भी आप कर सकते हो, और लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह के ऑप्शन भी इसके अंदर बिल्ट इन देखने को मिलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कैमरा है। अभी हालांकि ये लॉन्च नहीं हुआ है, सिर्फ अनाउंस हुआ है, और अनाउंस होने के बाद में जो हमें पता लगा है लगभग ये $800 का, तो प्राइस जो है इसका लगभग 60,000 के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।
camera has clear voice recording, which is perfect for recording your voice even in windy places.